किसका बच्चा है, ले जाओ यहाँ से उठा पुटा के। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। अगर हम अपना पत्नी हॉस्पिटल में नौकरी नहीं देता तो मैं आज इस रोड पर हम नहीं उतरता। पूजा फिर काम दूजा। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं कोलकाता एक शादी अटेंड करने के लिए। हमारे पीछे है समस्तीपुर स्टेशन, यहाँ से 6:10 में है गाड़ी कोलकाता के लिए। चलिए टिकट लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। ये हमने ले ली है टिकट, 165 रुपए का टिकट पड़ा। ओहो, गिर जा भाई। जलमा कैसे छोड़ दे स्टेशन पर ना? गिर गए कार। यार किसका बच्चा है, ले जाओ यहाँ से उठा पुटा के। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साला। वहाँ से छोड़ दिल के बाप के लौरा आप। कोलकाता वाला गाड़ी चल गए नहीं आवे थे कोलकाता। किसी की याद सताए शराब शराब पीने आ। कोलकाता जाने के बाद हम जाते हैं वहाँ अपना बाबू के पास घर में, लेकिन हमारा बाबू बाबू नहीं रहा, गद्दार। कैसे? हम जानते हैं कि घर बिल पर है, 40 साल से बिल लेता है। अच्छा, बिल जमा करता है कि जिन फ्लैट बनेगा उस दिन खत्म 20-25 लाख या 15 लाख चाहे 8 लाख रुपया देगा। अच्छा, भगाएगा तब। आपको प्यार में हम सबरने लगे। हमारा 3 लड़का है, मेरा पत्नी हॉस्पिटल में जॉब करते। अगर हम अपना पत्नी हॉस्पिटल में नौकरी नहीं देता तो मैं आज इस रोड पर हम नहीं उतरता। आपकी पत्नी नौकरी करती है हॉस्पिटल में? अच्छा, कहाँ नौकरी करती है वो? हसनपुर। हसनपुर, रोसरा हसनपुर। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर हसनपुर पर। अच्छा, हसनपुर पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी दिलाना चाहिए। ओ, समझ गए हम। जाए वाला काम करता है। समझ गए हम, समझ गए। समझे, नया एकदम जवान कली था। कली, वो कली को हम कहीं नहीं ले जाते थे। अच्छा, कली थी ना, आगे किसी और के चक्कर में पड़ गई क्या? नहीं पचाई छो तो खा के लल। अच्छा, बहुत शातिर है, चोर तो यही है, चोर है। हम सीट खोजा छे, सीट मिलते तम उम्मीद करबे। जनरल में जाय वाला जनरल के माजा रिजर्वेशन करलेगा भाई। फाइनली गाइस, हम तो पहुंच गए कोलकाता, लेकिन कोलकाता आते ही गुड्डू को जाड़ बुखार चढ़ गया। देखो कैसे सुकर के सोया है, बोल रहा है मुझे नींद आ रहा, रात भर तो जागे थे हम, बट ये बोल रहा है मुझे नींद आ रहा। चलो खैर कोई बात नहीं, हम ट्रेन से उतर के एक टैक्सी भाड़ा किए लोकेशन पे जाने के लिए। अकेले तो हम थे नहीं, 5 लोग थे, इसलिए टैक्सी भाड़ा करना पड़ा, और 5-6-7-8 बैग भी था। कोलकाता का इतना सारा टैक्सी सिर्फ हम फिल्मों में ही देखे थे, वैसे कोलकाता हम कभी आए नहीं थे। फिर हम नहा धोवा के पहुंचे मैरिज हॉल एकदम सिंघम स्टाइल में। यहाँ पे लोग दावत खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोलकाता में ऐसा होता है कि जब तक दुल्हन को कुछ गिफ्ट पहले नहीं दिया जाए तब तक लोग दावत खाने नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार में कुछ ऐसा होता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फाइनली दुल्हन अब आई और साथ में एक पर्सनल बॉडीगार्ड को भी लेके आई है। ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं, शायद दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है। हुलिया एकदम लड़कों की जैसी, लेकिन है लड़की। दुल्हन स्टेज पर नहीं आई कि उसकी फ्रेंड सब चिपक चिपक के फोटो खिंचवाने लगी, और बॉडीगार्ड तो हिसाब बारी रख रही है नेग में कौन कितना दिया। यार कोलकाता की लड़की में एक बात तो है, कैमरा देखते ही मुंह का निवाला मुंह में ही दबा के रखे रहेगी, चबाएगी नहीं उसको, नहीं तो एक्सपोज हो जाएगी। देखो एक दूसरे को बता रही है अभी चबाओ मत। यार कोलकाता का जो ढोलता सा होता है डीजे से 100 गुना बेहतर होता है, शरीर में एकदम गर्मी सा ला देता है। यहाँ पे दूरा लगने के कगार पे है, और गांव से 5 लोग चले थे स्कॉर्पियो से, उन लोगों को रास्ते में ही फट गया टायर, और इधर हम दर दर भटक रहे हैं एक फोटो क्लिक करने के लिए।
दूल्हा मरवा पे आने से कर रहे थे इंकार। दूल्हे के साली सब एकदम टांग के ले आई। चलो फाइनली गाइस, शादी भी हो गई और साथ में विदाई भी हो गई। उसके बाद हम दिन भर सोए और रात के 11 बजे निकल पड़े अपने घर की ओर बिहार।